لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. एक और बलंद तर सलावत पढ़ें। हजरत, आशूरा का जुलूस अपने रिवायती हुरमतों और अजमतों के साथ इंशाअल्लाह ज़ैनबिया इमाम बारगाह से रोज़े आशूरा 4 बजे से पहर शुरू होगा, और जे हॉस्पिटल से होता हुआ बुरहानी कॉलेज की तरफ से और मजगांव सर्किल की तरफ से गुज़रता हुआ रहमताबाद कब्रिस्तान जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा। परवरदिगार आप हजरात को तौफीक अता फरमाए कि इस जुलूस आशूरा में शिरकत करें, और जो लोग भी जुलूस अज़ाए रोज़े आशूरा का अहतमाम करते हैं, जो जिस कैपेसिटी में भी, जिस क़दर सरकार सैयदुश्शुहदा के लिए खिदमत करता है, कोशिश करता है, परवरदिगार उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। चाहे वो
इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज हों, अंजुमनों के ज़िम्मेदारान हों, समाजी और सियासी कारकुनान हों या हुकूमती इदारों के लोग हों, पुलिस के लोग हों, परवरदिगार इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज 8 मुहर्रम गुजर गई, कितना इंतजार रहता है कि मुहर्रम आएगा और हम आज़ादारी की सआदत हासिल करेंगे। मुहर्रम आया और गुजर गया, कल 9 मुहर्रम होगी और परसों रोज़े आशूरा। पूरे ग्लोब पर जो सियासी, इक्तिसादी और समाजी हालात हैं, उसके नतीजे में ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है और ये फितरी बात है, ये फितरी बात है, हमेशा यही हुआ है और यही होगा। इस ज़मानो मकान में, इस स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स में यही होता आया है, यही होता रहेगा कि ज़िंदगी के शरायत, कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस, ये इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर करती है वो है इक्तिसादी हालात, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है चीज़, वो सियासी हालात हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस और सर्कमस्टांसिस। ये दोनों मिलकर इंसानी मुआशरे को और इंसानी समाज को बहुत मुतासर करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पूरी दुनिया की जो सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल है, ये दुनिया के हर मज़हब और हर मसलक के इंसानों को भी मुतासर कर रहे हैं ये हालात। ये हवाला इसलिए दे रहा हूँ और उसमें फिर बीमारियाँ आ जाती हैं, वबाएँ आ जाती हैं, बलाएँ आ जाती हैं, COVID-19 आ गया, इन सब ने आज़ादारी की कदरों को भी मुतासिर करने की कोशिश की और कर रहे हैं। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं आपसे बस एक इल्तिमास रखता हूँ, अगर ताल्लुक़ आपका हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से है, तो फिर एक बात याद रखिएगा कि ये जो जबर तारीख़ है, ये जो इस दुनिया में जारी और सारी मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है, ये जो जबर तारीख़ है, ये जो जबर ज़मान व मकान है, ये जो मादी हालात का जबर है, इसे इसके आगे मजबूर हो जाना किसी हुसैनी को जेब नहीं देता। खुद हज़रत इमाम हुसैन अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर जबर तारीख़ के फ़लसफ़े को हम कबूल कर लें कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हालात हैं हम इन हालात के साथ ही
दरिया की सतह पर बहते हुए मामूली से तिनके की तरह बहना है। अगर हम ये समझ लें तो फिर हरगिज़ हरगिज़ हम पैरवे हज़रत सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम नहीं कहला सकते, क्योंकि उस वक्त ये जो मैं कहता आया हूँ, चाहे तौहीद और इलाहियात के चैप्टर्स हों और चाहे इंसानी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुतालिक बातें हों, मैंने कहा ना कि पूरी इंसानियत में ये पांच अनवार जो हैं ये अल्लाह की हुज्जत हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हैं, ये हैं आफ्ताब अफलाक हिदायत। तो आका हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम ये मिसाल बहुत रोशन है। अगर जबर हालात का फ़लसफ़ा जूं का तूं कबूल कर लिया जाए, बरहक समझ लिया जाए, तो फिर इनकार बयात के क्या मानी हैं, फिर क़याम करबला के क्या मानी हैं, हालात क्या कह रहे थे, जबर सियासी क्या था, इक्तसादी हालात क्या थे, समाजी हालात क्या थे, उन तमाम हालात के मुकाबले में तने तन्हा हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन का खड़ा होना और कामयाब होना, ये याद रखिएगा दोनों जुमले, हरगिज़ हरगिज़ इस मुगालते में ना आ जाएं कि इमाम तो बज़ाहिर शिकस्त खा गए थे, ना हमारे इमाम बज़ाहिर शिकस्त खा गए थे ना बबातिन, बज़ाहिर भी फातेह हुसैन थे बबातिन भी फातेह हुसैन। इमाम का क़याम करना, इमाम का खड़ा होना और कामयाब होना, उस नाक़िस मादी जदलियाती फ़लसफ़े की रद्द के लिए काफ़ी है कि देखो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हालात कुछ भी हों, सियासत का रुख कुछ भी हो, अगर इंसान तौहीद हक समदी के साथ जुड़ा हुआ हो, दिल में चराग तौहीद रोशन हो, इंसान में हुर्रियत हो, आज़ादी हो, इंसान के अंदर हमीयत हो, गैरत हो, इंसान के अंदर आज़म हो, वो उलुल आज़म इंसान हो, तो पूरी दुनिया शिकस्त खा जाती है, वो फातेह हो के सामने आता है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसे सिर्फ सुखन गुस्तराना बात ना समझें, और इसे ये नहीं कि बड़ी बड़ी सियासी तहरीकों के साथ ही सिर्फ जोड़ा जाए ये ख्याल हो ये तसव्वुर, नहीं, ज़िंदगी की छोटी बात हो या बड़ी बात, हर चीज़ के साथ ये तसव्वुर वाबस्ता होना चाहिए कि हम हैं कौन, हम खुदा रखते हैं, हम हैं कौन, हम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जैसा रसूल रखते हैं, हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम, जैसा इमाम रखते हैं। अब ये बार बार तो नहीं कहने की ज़रूरत है आपके लिए कि हमारे रसूल रसूल थे नहीं, अब भी रसूल हैं, अली इमाम थे नहीं, अली इमाम हैं, सरकारे सैयदुश्शुहदा इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन हमारे इमाम और रहबर थे नहीं, इमाम और रहबर हैं और ता क़यामत रहेंगे, ता क़यामत रहेंगे। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इमाम और रहबर थे और हैं और ता क़यामत रहेंगे, ये मासूमीन वो हैं।
तो हमें अपनी ज़िंदगी की रूहानी कदरों को, अखलाकी कदरों को और वजूदी कदरों को इन अनवार मुकद्दसा के साए में, इनके अनवार की ताबिश में, इनके परतों में, उनकी रोशनी में हमें बाकी रखना है। दुनिया के सामने हार जाना नहीं है। और ये ट्रेनिंग इसी से शुरू होगी। दो तरफ़ा बात है, अपने नफ्स को भी तो तस्खीर करना है, हैं? ये नफ्स छोटे छोटे बहाने सामने रख के सहूलत पसंद हो जाता है। भई अब दो साल से ये आदत पड़ गई लोगों की कि इंटरनेट पर और टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर मजलिसें घर बैठ के सुन लें, तो हम फर्श अज़ा पे क्यों जाएं? अब ये कोई आपको अमेरिका और इज़राइल थोड़ी सिखा रहा है, ये तो आपका नफ्स है जो वसवसा कर रहा है। हर चीज़ मालूम हुआ, कोई भी छोटा सा वाक़ हुआ, अमेरिका इज़राइल, वो शैतान बुज़ुर्ग है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम लोगों का नफ्स भी क्या शैतान खुर्द है? नफ्स, नफ्स, अपने नफ्स पर नज़र रखें कि मजलिस में नहीं जाएंगे हम, तो घर ही पे बैठ के मजलिस सुन लेंगे। ये रविश गलत है। और फिर जुलूस, जुलूस आशूरा, जुलूस आशूरा की आज़मत में, हुरमत में, उसकी शान व शिकोह में रोज़ बरोज़ साल बसाल इजाफा होना चाहिए, कमी नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब एक बहुत सख्त जुमला कहूँगा, करबला में तो अस्हाब हुसैनी को यकीन था कि मौत ही सामने है। मगर ज़ेरे परचमे अब्बास रहे या नहीं रहे, ये आलम भी जो जुलूस अज़ा में लेके आप जाते हैं, मंसूब तो हज़रत अब्बास से है ना, इस आलम को छोड़कर आप घर कैसे बैठ जाएंगे? फिर किस मुंह से कहेंगे काश हम करबला में होते तो कुर्बान। वाज़े है, बहुत वाज़े पैगाम है। और वही आदाब, सर बरहना हो, आस्तीनें उल्टी हुई हो, गरेबान खुला हुआ हो, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा पा बरहना हो, इससे एक मैसेज जाता है, मालूम हो कि ये गमज़दा शख्स है, मालूम हो कि ये दर्दमंद है, मालूम हो कि इसके दिल में अलम है, मालूम हो कि इसके दिल में कर्ब है, मालूम हो कि ये शख्स सोगवार है। हाशा व कल्ला किसी को दुनिया में ये जुर्रत न हो तोहमत लगाने की कि ये जुलूस दहशत गर्दों का जुलूस होता है या बेअमनी से इससे मुमकिन है। न बेअमनी मुमकिन है, न कभी हुई है। जुलूस आशूरा के तुफैल में तो जहाँ जहाँ बेअमनियाँ होती हैं वहाँ वहाँ अमन कायम हो जाता है। और एक दिन का अमन नहीं, अब अजब रुख पे गुफ्तगू चल पड़ी आज। जाहिर है मैं इन मजलिसों में जो आवामी मजलिसें होती हैं, ये मेरा जहनी रवैया ये है कि वक्ती मसाइल पर भी फिर ज़रा तफसील से गुफ्तगू कर लेता हूँ। मेरे इल्म में हैं ये बातें, जिन्होंने आँखों से देखा है और उसमें मामलात में शरीक रहे उन्होंने नकल किया, और कितने मामलात में मैं ख़ुद शरीक रहा हूँ कि मालूम हुआ कि मुल्क के दो गरोहों में इख्तलाफ है। ये उनका मुँह देखना नहीं चाहते, वो इनका मुँह देखना नहीं चाहते। हैदराबाद में, दिल्ली में, मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़ियात हुए हैं। ख़ुद से अज़ादारों ने यह तय कर लिया कि इस साल हम
अपना जुलूस लेकर, अलम लेकर, ताज़िया लेकर उनके महल्ले से नहीं जाएंगे, हम इस महल्ले से जाएंगे। मुहर्रम आने से पहले वो लोग खुद आए, कहा देखिए वो इख्तिलाफ़ अपनी जगह है जो कुछ है, मगर इमाम हुसैन का जुलूस तो हमारे महल्ले से गुज़रेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हम साल भर इमाम हुसैन के अलम के फरहरे की हवा की तासीर महसूस करते हैं, हम इसकी बरकतें, हम इसकी बरकतें महसूस करते हैं। तो जुलूस आशूरा के शिकोह में उसकी शान में कोई कमी ना आए, तादाद कम ना हो, शिरकत सलीके से हो, सफाई का ख्याल रखें और हुज़्न व मलाल को ज़ाहिर करें। एक सलावात पढ़ दें मुहम्मद व आले। ज़ाहिर है आपके सामने जो सूरत हाल है कि वक्ती ऐलानात होते हैं, वक्ती सवालात होते हैं, और उसमें जो असल मौजू है वो कहीं ना कहीं उसके बयान में, उसकी वजाहत में कमी और कोताही हो जाती है, चूँकि वक्त की भी महदूदियत होती है। उन्वान था हमारा इस मरतबा इमाम हुसैन अनवार व अकदार। मकसद ये था कि हम इस उन्वान के तहत आका हुसैन की सीरत के नूरानी गोशे पेश करें आपके सामने, और वो कदरें, वो वैल्यूज़ जिसकी ज़रूरत तमाम आलम इंसानियत को है, सिर्फ शियों को नहीं है, सिर्फ सुन्नियों को नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, तमाम आलम इंसानियत के लिए हज़रत सैयदुश्शुहदा अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन चरागे हिदायत हैं, कश्ती नजात हैं, आफ्ताब हिदायत हैं, सरापा नूर हैं, बातिन आयत नूर का मिसदाक हैं। जिस बात का मुझे पहले से ख़्याल था और जाहिर भी कर चुका था कि आयत नूर की तफसीर भी शायद मुकम्मल ना हो पाएगी, और जो कुछ मैं इस दिन में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो कुछ अर्ज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमेशा एक कामयाबी ज़रूर मुझे मिलती है, वो ये कि जहनों को कम से कम उस मौजू से मानूस हो कर देता हूँ, अजहान मानूस हो जाते हैं, सवालात जहन में पैदा हो जाते हैं, और ये सवालात आपको उस दरवाज़े से जोड़े रखते हैं कि जिस दरवाज़े से हर सवाल का जवाब मिलता है। मैंने इसी अशरे में कहा था, इससे पहले बहुत सी मजलिसों में कह चुका हूँ, और आज फिर तेज़ी से ये छोटा सा जुमला कह के गुज़र रहा हूँ कि सवालात कहीं बाज़ार में नहीं बिकते, सवालात तो जहन में पैदा होते हैं, ख़ुद ब खुद पैदा होते हैं, और ये लुत्फ़ परवरदिगार है। इससे पहले एक मिसाल दी थी मैंने भूख की, जिस्म में भूख पैदा होती है जब जिस्म को मज़ीद ताकत की ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, इसी तरह रूह में जब इल्म की ज़रूरत होती है तो सवाल पैदा होते हैं, चूँकि इल्म ग़िज़ाए रूह है, इल्म ही ग़िज़ाए रूह है, इल्म ही ग़िज़ाए रूह है, रूह की ग़िज़ा कुछ नहीं है सिवाय इल्म के। जिस्म अनासिर खाकी से बना है तो इस जिस्म की ग़िज़ा खाक से रोईदा होती है, इस जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन से पैदा होती है, रूह अनासिर खाक से नहीं बनी है, रूह अम्र रब्बी है, तो रूह की ग़िज़ा भी उधर से नाजिल होती है, इसीलिए रूह की आबियारी के लिए, रूह की सेराबी के लिए, रूह के तग़ज़िये के लिए, रूह की तक़वियत के लिए परवरदिगार आलम ने जो हिदायत का निज़ाम कायम किया है, हिदायत का निज़ाम, उस हिदायत के निज़ाम को जिस इस्तेआराती उसलूब में बयान किया है वो है आयत नूर।
اور اس نقطے پر مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں میں اختلاف نہیں ہے. میں نے آج بھی مطالعہ کیا, بہت سی تفسیروں کا مطالعہ کیا, شیعہ مصنفین کی تفسیریں ہوں یا اہل سنت علماء کی تفسیر کی تفسیریں ہوں سورہ نور کی. اکثر مفسرین اس, اگر اجماع حاصل کریں, اکثر مفسرین اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ صراحت کرتے ہیں کہ مراد اس آیت نور میں ہدایت الہیہ ہے, اللہ کی ہدایت کا جو نظام ہے وہ بڑا نورانی نظام ہے. اس کی تشبیہ دی ہے آیت نور میں مشکات اور چراغ و مصباح, اور آخر آیت میں صراحت بھی ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے. یہاں ایک نقطہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی واقعاً درِ اہل بیت تک آ جائے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی عنایت خاص شامل حال. اگر اللہ کی عنایت خاص شامل حال نہ ہوتی تو اس خانہ نور کی طرف ہدایت کیسے حاصل ہوتی؟ اس میں خاص توفیق الہی شامل ہوتی ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف, یعنی اپنی جانب سے بھیجے جانے والے ہادی کی طرف. اور نور کیا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے سورج کی طرف, اللہ ہدایت کرتا ہے چاند کی طرف, بدر کامل کی طرف. اللہ یہد اللہ لنورہ, اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے. یہاں ابھی جبر و قدر کی طرف ذہن عالی نہ جائے, یہاں پوشیدہ ہیں دو چیزیں, ایک قاعدہ لطف اور ایک مصلحت و توفیق. اللہ نے خلق کس لیے کیا؟ ہمیں اور آپ کو, سب کو, اس کائنات کو, یہ اس کے فیض کا تقاضا تھا. یہ لفظیں یاد رکھیے گا, میں کبھی کبھی کلیدی لفظیں حوالے کر دیتا ہوں, چونکہ ہر لفظ کے ضمن میں جو تفصیلی بیان ہے نا علمی, وہ بیان وقت کے سانچے میں اسے فشردہ کر کے پیش کرنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی. تو یاد رکھیے کہ جیسے اس سے پہلے آج میں نے آج دن میں بھی پڑھا ہے, اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, اور آپ کے سامنے بھی تیزی سے دہرا دوں اس توقع کے ساتھ کہ پہلے سے آپ کو یاد ہوگا, یہ چیز آپ کو یاد ہو جانی چاہیے, حفظ ہو جانی چاہیے. اب دیکھیں یاد ہے یا نہیں, جوان جواب دیں گے تب. قرآن مجید کے بارے میں اگر میں یہ پوچھوں کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے, سبجیکٹ کیا ہے, ایک لفظ میں قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے توحید, توحید حق صمدی. یہ کلیدی الفاظ ہیں, یاد رکھیے گا, اس سے بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ. قرآن مجید کا نظام کیا ہے؟ جو نظام اس نے دیا ہے عالم انسانیت کو, ولایت. ایک ایک لفظ میں قرآن مجید نے تمام انسانوں کو جو کلچر سکھایا ہے وہ کلچر کون سا ہے؟ وہ کلچر ہے محبت اور مودت کا. قرآن مجید پڑھنے کے بعد کہیں نفرتیں پنپ نہیں سکتی, قرآنی تعلیمات نفرتوں کو مٹاتی ہے, محبتوں کو پروان چڑھاتی ہے. تمام انسان سنیں, جس مسلک و مذہب کے بھی ہوں. اب چند الفاظ اسی طرح ایک ایک لفظ یاد رکھیں گے نا آپ, یہ چیلنج ہے, ایک ایک لفظ یاد رکھیں گے اس فقیر کا
तो गोया रिलीजियस साइंसेस की एक एक ब्रांच पर आपकी गिरफ्त हो जाएगी। बड़े बड़े मसले जिस पर सैकड़ों सफ़े लिखे जा चुके हैं या लिखे जा सकते हैं, वो आपकी मुट्ठी में होंगे। क़ुरान का मौजू तौहीद, क़ुरान का अमली पैगाम तक्वा, क़ुरान मजीद का निज़ाम सिस्टम विलायत, न कम्युनिज्म, न सोशलिज्म, न कैपिटलिज्म, विलायत। इस वक्त पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म की हुक्मरानी है तकरीबन। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब पूरी दुनिया में विलायत की हुक्मरानी होगी। विलायत की हुक्मरानी यानी क्या? कैपिटलिज्म की हुक्मरानी के क्या मानी है? एक एक लफ्ज़ में कैपिटलिज्म की हुक्मरानी के मानी ये हैं कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाए। साफ साफ बॉटम लाइन, यहाँ बड़ी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करूँ आपके सामने, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर तो है नहीं, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बैठा है, अदीब भी है, शायर भी है, आलिम भी है, स्कॉलर भी है, लेकिन एक मज़दूर भी बैठा होता है हमारे सामने। तो हम बिल्कुल सादा सी बात कहें, कैपिटलिज्म की फ़लसफ़ा क्या है? जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जाए, जिसके पास पैसे हैं उसके पैसे में इजाफ़ा होता जाए, सरवत में इजाफ़ा होता जाए, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाए। और इन कैपिटलिस्टों के सामने ये जितनी भी तकरीरें करते हैं ना, यूएन के प्लेटफॉर्म से, यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से, और पता नहीं किन किन प्लेटफॉर्म से, ये सब सियासी बातें होती हैं। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, सब सियासी बातें हैं, इसमें कोई जौहरी हकीकत नहीं है। आम इंसानों की कदर व कीमत इनके सामने हशरातुल अर्ज़ के बराबर भी नहीं है। इन मकरूह लोगों को पहचानें, बेदार हों, गफलत में ना रहें, इनकी मीठी मीठी बातों में ना आ जाएं। इनके सामने हकीकतन इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं होती, कोई कदर व कीमत नहीं है। मगर आप देखते नहीं हैं किस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को तबाह कर देते हैं? यमन में क्या हो रहा है? कौन है मुजरिम? किस लिए जंग हो रही है यमन की? दुनिया के और कितने मुल्कों को बताऊं क्यों जंग हो रही है? रूस और यूक्रेन की क्यों जंग हो रही है? क्यों, किस लिए? और याद रखिए, जंगों के बुरे और खराब असरात पड़ते हैं इंसानों पर। अगर जहन बेदार है तो एक जुमला कहूं, दुनिया की तमाम जंगें वो हैं जो तमाम इंसानी मुआशरे पर बुरे असरात डालती हैं, इल्ला एक जंग थी, जंगे करबला। इस जंग ने पूरी इंसानियत को हमेशा हिम्मत, हौसला, वफा, इखलास, तौहीद, वहदत, मोहब्बत, मवद्दत, यकजहती, ये कदरें अता की हैं करबला ने। दूसरी जंगें उनके असरात से कौमें भूखी मर जाती हैं, करबला की जंग का तस्करा भी होता है तो लंगर तकसीम होता है। करबला की याद में कोई अरबईन के जुलूस में जाके देखिए क्या सबीलें लगती हैं, क्या लंगर तकसीम होते हैं। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, मुआजना मैं क्या करूँ आप खुद कर लीजिएगा। एक इबादत है वाजिब फरीजा, हज,
हज में जाइए तो खाने और पानी की कितनी कीमत देनी पड़ती है, पानी की पानी भी खरीद के पीते हैं उस शहर में जहां जमजम है। और चले जाओ करबला उस शहर में जहां पानी बंद किया गया था, आज किसी को पानी खरीद के पीने की जरूरत नहीं है। देखो तो सही फैजान हुसैन, हम सुनते हैं दोहराते हैं खुदा राज़िक है, खुदा करीम है, खुदा रहीम है, खुदा फ़याज़ है, इन आँखों से जब देखते हैं तो उसका फैज़ कभी फ़ातिमा के दर से मिलता है, कभी हुसैन के दर से मिलता है। पानी नहीं, पानी ग़िज़ा खाना, ये तो ज़िंदा मौजज़ा है, जाके देख ले कोई करबला के प्यासों का जिंदा मौजज़ा। सारी दुनिया में सबीलें लगती हैं, मैं इन सबील लगाने वालों को भी सलाम करता हूँ, दुआएं देता हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि इनकी हौसला अफजाई के लिए हर हर सबील पर जाकर खुद हाज़िरी दूँ, थोड़ी देर अपने हाथ से रास्ते में गुज़रने वालों को मैं पानी पिलाऊँ, शरबत पिलाऊँ, उनकी खातिर करूं, चाहे वो जिस मज़हब के भी हों, और बताऊं कि देखो ये पियो, हुसैन को याद रखना। बहुत बड़ी इबादत है, ये इबादत है, मैं कह रहा हूँ इबादत है। खुदा आपको ज़िंदा सलामत रखे, आपको खूब बरकतें अता फरमाएं। जो जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं इन सबीलों के लिए या किसी भी एतबार से इमाम हुसैन की आज़ादारी में, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका अजर कितना मिलता है खुद इस दुनिया में और कितना मिलेगा उस दुनिया में। ये कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ठोस हकीकत। कल से अगर जहन का आपका मरबूत है तो कल मैंने एक सवाल किया था ना, हालांकि जवाब भी दे दिया था, मगर फिर और वाज़ह कर दूँ। दुनिया खुदा राज़िक है, करीम है, रहीम है, रहमान है, अजीम है, उसके बंदे फिर जहालत और इफ़लास में क्यों मुब्तला हैं? ये भुखमरी क्यों है जगह जगह अफ्रीका में, यमन में, मुख्तलिफ जगहों पर, और सिर्फ एशिया और थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं है। ज़रा चले जाइए साउथ अमेरिका में, चले जाइए दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ किस कदर गुरबत है, किस कदर इफ़लास है, कैसी नादारी है। सबका दर्द आपके दिलों में होना चाहिए और सब की खबर रखिए। ये क्यों भूख कौन बांट रहा है? आज का वेस्टर्न कैपिटलिज्म, ये भूखों को भूखा रखते हैं। अरे ये तो वो हैं जो बच्चों के हाथों से निवाला छीन ले, आप क्या जाने इनकी शकावत। अपनी मर्जी से, अपने हक़, अपने हसद, अपनी गलत सियासत के लिए हॉस्पिटल्स पे बमबारी नहीं करते, ये करते हैं या नहीं? और इनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होता आलमी अदालत में, क्योंकि अदालत भी उनकी, वही मुजरिम, वही हाकिम, वही मुनसिफ। स्कूलों पे हमले होते हैं या नहीं? नादान बच्चे, तालिबे इल्म, इल्म हासिल करने वाले बच्चे सिसक सिसक के मर जाते हैं या नहीं? जराइम, जंगी जराइम का ज़रा एक फहरिस्त तो मुरतब कीजिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा शकी
अमेरिका के अलावा कोई नजर आता है? मैं सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो जब एक गरीब को एड़ियां रगड़ते हुए देखता हूं तो दिल तड़पता है, जब एक भूखे को देखता हूं तो दिल में तकलीफ पैदा होती है। ये जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है और इन सब के ऊपर जो हजरत शैतान अकबर हैं अमेरिका साहब, इनकी क्या पॉलिसियां हैं? दूसरा मुल्क पनपता हुआ इन्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरे मुआशरे ग्रो करें, ग्रोथ हो, एवोल्यूशन हो, तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, आगे बढ़ें, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। झूठ बोलते हैं मुसलसल जो कहते हैं हम तो सबकी भलाई चाहते हैं, किसी की भलाई नहीं चाहते, किसी की भलाई नहीं चाहते। झूठे बहाने निकालकर दूसरे मुल्कों को तबाह करना, ये उनकी सियासत है खुली हुई, ये उनकी सियासत है। तो इनका काम है भूख तकसीम करना, भूख भूख परवान चढ़ाना। इनकी पॉलिसी है जाहिल रखना, जाहिल बनाना। आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बना लें आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। आपको क्या हक है यूनिवर्सिटी बनाने का? आप कौन होते हैं? मैं जब कहूंगा तब यूनिवर्सिटी बनाइएगा मेरी इजाजत से। आपको क्या हक है हॉस्पिटल बनाने का? मैं जब कहूंगा मेरी इजाजत से मेरी निगरानी में हॉस्पिटल बनेंगे। समझ रहे हैं आप? सियासी तकरीर नहीं है, हरगिज़ ये ना समझिएगा कि सियासी तकरीर हो रही है, हरगिज़ नहीं। मैं इंसानी मसाइल को एड्रेस कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि दुनिया के सरमायादारों सरमाया परस्तों से आलम इंसानियत का भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो उस दीन, उस मसलक, उस मजहब और उन वैल्यूज और उन लाइट, उस लाइट और उस एनलाइटनमेंट के जरिए जो करबला के भूखे और प्यासों के जरिए से सामने आई। बहुत वाज़ेह पैगाम है। कल से आज तक दो तीन बल्कि इससे ज़्यादा जर्नलिस्ट, कोई टीवी जर्नलिस्ट, कोई वैसे ही मीडिया का शख्स पूछ चुका, आप आज़ादारी करते क्यों हैं? आप मुहर्रम के प्रीचर बन के आते क्यों हैं? आप किस लिए चाहते हैं कि आज़ादारी फरोख पाए? सड़कों पर लेकर जुलूस क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमसे कोई भूखा देखा नहीं जाता, हमसे जहालत देखी नहीं जाती, हमसे बीमारियां देखी नहीं जाती, हमसे बेअमनी देखी नहीं जाती, हमसे बेचैनी देखी नहीं जाती, हमसे फितना और फसाद और लड़ाई और झगड़ा ये देखा नहीं जाता। तो हम कैसे रोकें? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई असलहा नहीं है। हमारा असलहा है आंसू, हमारी ताकत है हमारा गम। हम करबला के मजलूमों का तज़किरा करके लोगों के दिलों के गुदास को, दर्द को बढ़ाना चाहते हैं कि समझो इंसान जब मजलूम होता है तो क्या कैफियत होती है, और जालिम की शनाख्त पैदा करो, जालिम की शनाख्त पैदा करो, पहचान। और मीडिया के लोगों से मैं दस्त अदब जोड़ के कहता हूँ, खुदारा अपने ज़मीरों को ज़िंदा रखें। बन चुकी है मीडिया इंडस्ट्री, बन चुकी है, मगर आप इंसान हैं ना, आपके सीने में दिल है ना, आपके कासे सर में दिमाग है ना, आपके मादी वजूद के अंदर एक रूह है या नहीं? आप अवामुन नास के सामने जो खबरें पेश करें वो इस नीयत से और इस इरादे से कि हमें इंसानियत को भलाई तक पहुंचाना है, हमें जहालत मिटानी है, हमें गुर्बत मिटानी है, हमें नफरतें मिटानी हैं। मीडिया के जरिए से नफरतें बढ़ाएं नहीं, मिटाएं। मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, मवद्दतों को परवान चढ़ाएं। बस गुफ्तगू होती चली जा रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं तो चंद लफ्ज़ें कलीदी और आपके सुपुर्द करना चाहता था। कुरान मजीद, देखिए ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है
इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बहुत करना आता है मुझे, फिलॉसफी बयान करना बहुत आता है। पहले तो बदनाम था मैं इसी हवाले से, ये मौलाना मिंबर पे बैठ के मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करते हैं और फ़लसफ़ा आप कह रहे बयान करते हैं, लोग तो कहते होंगे फ़लसफ़ा बघारते हैं। जिसकी जो सतह होती है तहज़ीबी, वो वैसी ही तो गुफ्तगू करता है ना। फ़लसफ़ा, मंतिक, हिकमत सब अपनी जगह, कुछ बात अमली भी तो होनी चाहिए, नज़रियात अमल से जुड़े हुए हों। तो ये अमली बातें रोज़मर्रा की, हर घर में करबला बरपा है अब तो। जदीद शुआरा क्या कहेंगे जो हमारे क्लासिकी शायर कह गए हैं, लखनऊ दबिस्तान के बानियों में, लखनऊ दबिस्तान के हजरत शेख इमाम बख्श नासिख लखनवी, नासिख लखनवी ने छोटी बहर में अजीब व गरीब शेर कहा है, जमाने के सितम से रोज नासिख। ये लगता है कि 200 बरस पुराना शायर बोल रहा है। जमाने के सितम से रोज नासिख, नई एक करबला है और मैं हूं। जमाने के सितम से रोज नासिख, नई एक करबला है और मैं हूं। और इन तमाम करबलाओं के पीछे कहीं ना कहीं खूनी पंजा, आहनी पंजा सरमाया परस्तों का होता है, सरमायादारों का होता है, और बतौर ख़ास वेस्टर्न कैपिटलिज्म। इसे तमाम लोगों को, एक सिर्फ मैं बयान कर चुका, सिर्फ शियों के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तमाम इंसानों का मसला है। अल्लाह ने पैदा क्यों किया? फैज़, एक लफ्ज़ याद रखिएगा, फैज़ वजूद था जो ज़ाहिर हुआ तो तमाम आलम इम्कान वजूद में आया, याद रहेगा ये जुमला। अल्लाह ने फैज़ वजूद बख्शने के बाद फिर ज़रूरत समझी, उसकी हिकमत का तकाजा ये हुआ कि इनके लिए हिदायत, एक तो हिदायत फितरत में रखी, फितरत में हर इंसान की फितरत खुद मुकम्मल किताब हिदायत है। काश ये जुमला लेके जाएं, हर इंसान की फितरत नेचर एक मुकम्मल किताब हिदायत है, मगर चूंकि यहाँ माहौल ऐसा होता है कि हर शख्स अपनी किताब फितरत पढ़ नहीं पाता, तो फिर उसको मज़ीद हिदायत की ज़रूरत होती है। दिल कहता है कि सच बोलो, इंसान हालात से मजबूर होकर झूठ बोलता है, तो चाहिए कि कोई नबी सामने आए सादिक और अमीन, और वो इस ज़मीर की आवाज़ को ज़िंदगी अता करे, ये हुक्म दे के सच बोलो, झूठ बोलना गुनाह है। ज़मीर इंसान का, फितरत इंसान की कहती है देखो खयानत ना करो, अमानत में खयानत ना करो, मगर इंसान खयानत करता है। अब ज़रूरत है एक ऐसे नबी की जो आके तालीम दे, देखो खयानत ना करो। ये अंदर से उभरने वाली आवाज़ फितरत की और अक्ल की, इसको कुव्वत अता करता है कौन? नबी। ये नबी को क्यों भेजा अल्लाह ने? वजूद अता किया फैज़ के तकाजे के तहत, फैज़। नबी, नबियों के, रसूलों के, इमामों के भेजने और मुअय्यन करने का निज़ाम कायम किया किस लिए? लुत्फ़ खुदा, याद रहेगा लुत्फ, फैज़ और उसके बाद लुत्फ। फैज़ चार लफ्ज़ हैं, वो याद रखिएगा, तौहीद, तक्वा, विलायत, मवद्दत। अब ये तीन लफ्ज़ याद रखिएगा, फैज़ वजूद का फ़लसफ़ा, लुत्फ हिदायत का फ़लसफ़ा। अब इंसान को मज़ीद भी कुछ चाहिए, अंदर से आवाज़ आ रही है, याद रखिएगा, अंदर से आवाज़ आ रही है, बाहर से आवाज़ आ रही है, अंदर से एक ताकत अच्छाइयों की तरफ और खुदा की तरफ आगे बढ़ा रही है, बाहर से एक ताकत बुला रही है, रास्ता दिखा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मीन संगलाख है, पत्थर हैं, कंकड़ियाँ हैं, कांटे हैं, दरिया है, समंदर है, रुकावटें हैं, उधर एक शकी खड़ा है, उधर एक सरमाया परस्त खड़ा है, उधर कोई और
मुहारिब खड़ा हुआ है। ये जो रुकावटें हैं, इन रुकावटों को दूर करने में भी अगर इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुने, उस पर लब्बैक कहे, नबी की आवाज़ सुने, इमाम की आवाज़ सुने, लब्बैक कहे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, पूरी कोशिश करे, तो अब फैज़ के बाद, लुत्फ़ के बाद एक तीसरी चीज़ आती है, उसे कहते हैं तौफीक। तौफीक के क्या मानी है? अब समझ में आई तौफीक? तौफीक अर्ज़ कर लेने दीजिए, वक्त गुजरा जा रहा है लेकिन अर्ज़ कर लेने दीजिए। ये सब कलीदी लफ्ज़ हैं, हर ज़बान पर हैं लेकिन उसके मानी नहीं जानते या गलत कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं। तौफीक का वर्ड जो है ये निकला है, रूट वर्ड है इसका वाओ फे काफ वेफ़क। इसी से उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ आम है और हिंदी में भी है, मुआफ़िकत। आम लफ्ज़ है ना। कोई शख्स कोई काम करना चाहता है, आप उठे, आपने कहा ये काम बहुत अच्छा है भाई, मैं भी आपके मुआफ़िक हूँ, आपके साथ हूँ, ये क्या हुई? मुआफ़िकत। ठीक है, मुआफ़िकत के मुकाबले में क्या चीज़ होती है? मुखालिफत। जब मैं नहीं साथ दूंगा, मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी, मैं आपके साथ नहीं हूँ। मुआफ़िकत के मानी है साथ आ जाना। अब चूंकि वक्त नहीं है ना, इसलिए एक जुमले में कह रहा हूँ। तौफीक जो मैंने कहा, वजूद क्यों अता किया अल्लाह ने? बतकाज़ाए फैज़। हिदायत का निज़ाम कायम किया बकायदे लुत्फ, उसके बाद भी नहीं छोड़ा। और तौफीक का निज़ाम रखा कि जब इंसान दिल से कोई नेक काम करना चाहता है तो अल्लाह अपनी मशीयत से, अपने लुत्फ से, अपने करम से, अपने इख्तियारात से तमाम हालात को उसके मुआफिक बना देता है। हालात को उसके मुआफिक बना देता है ताकि वो उस नेकी तक पहुंच सके, उस खैर को हासिल कर सके और हक सुबहानहु व तआला की सच्ची बंदगी कर सके, हक सुबहानहु व तआला से करीब हो सके। वाज़े हो गई बात? तौफीक ऐसे ही नहीं मिलती, अंदर जज्बा ज़रूरी है, इरादा ज़रूरी है, अपने इख्तियार से कदम उठाओ। कदम उठाना तुम्हारा काम है, कदम के नीचे से कांटों को हटा देना खुदा का काम है। समझ में आई तौफीक? वाज़े है तौफीक? इरादा, इख्तियार, कोशिश, नीयत सादिकाना, तो फिर अल्लाह की तरफ से रुकावटें हट जाती हैं। वक्त ख़त्म हो गया। एक जुमले में ये फ़लसफ़ा भी समझ में आ जाएगा और आप मसाइब की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। बहुत सी बातें थी रह गई। हबीब कूफे में थे, आका हुसैन करबला पहुंच गए थे, कूफे में पूरा हिसार था, कोई अपने घर से निकलने ना पाए, कोई हुसैन तक पहुंचने ना पाए, हिसार था, हिसार, नाकाबंदी, रास्ते बंद, पहरे। हबीब ने इरादा किया, हबीब ने, घर बैठे हुए थे ना हबीब, बीवी के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, हबीब ने इरादा किया, तैयारी की, घर से कदम निकाला, अपने नौकर को पहले अपना घोड़ा सवारी का दे दिया कि जाओ फुला जगह। वाजे है, सब सुनते रहते हैं ना, इससे दर्स क्या लिया? जब हबीब ने इरादा कर लिया, कदम उठा लिया, तो हर हर गली पर पहरे जरूर थे मगर कोई पहरा हबीब को रोक ना सका। हबीब को तौफीक हासिल हुई। हबीब आका हुसैन तक पहुंच गए। हबीब को तौफीक हासिल हुई, हबीब आका हुसैन तक पहुंच गए। हुर, पहले हुर का जज्बा तो हो। हुर ने तज़िया किया, नियत की, इरादा किया,
तो वो 30-32 हजार का लश्कर हुर को रोक नहीं सका हुसैन तक पहुंचने में। तौफीक, तौफीक। हालात ऐसे हो गए कि हुर आका हुसैन तक पहुंच गए, हालात ऐसे हो गए कि हुर के हबीब आका हुसैन तक पहुंच गए। बस ये तो मौजू के ताल्लुक से बात अर्ज की। आज तो देखो जज्बा सादिकाना कैसा होता है, ये भी जुड़ी हुई है बात तसलसल के साथ। आका हुसैन जब मक्के से करबला की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक मकाम पर अपने फरस ही पर, घोड़े पर, अपनी सवारी पर चले जा रहे हैं। जाते जाते हालत नौमिया तारी हुई, जिसे आम इस्तेलाह में कहते हैं गुनूदगी, नींद सी आई, बस एक ज़रा सी नींद सी आई। और उसके बाद आपने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा की कसम। अरे दुनिया हुसैन को पहचाने तो सही, ये दो जुमले अलग अलग हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? जब कोई नेमत मिलती है, जब कोई नेमत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आका हुसैन ने पहले कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन और फौरन कहा वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और एक मर्तबा नहीं कहा, दो तीन मर्तबा कहा है अल्हम्द इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जवान बेटा बराबर में चल रहा है, आगे बढ़े कहा बाबा खुदा आपको कोई बुरा वक्त न दिखाए, ये तो बताइए आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों फरमा रहे हैं? बस अजीज़ाने मेरा मजलिस ख़त्म हुआ चाहती है, दो तीन जुमले कहूँगा। ये तो इतनी अजीम शहादत है कि इस शहादत को पढ़ने के लिए ही कलेजा फट जाता है। करबला में सरकार सैयदुल शुहदा ख़ुद हज़रत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की शहादत के बाद सबसे बड़ी शहादत है शहादत शबीह पैगंबर, शबीह पैगंबर। बस दो तीन फ़िक्रे, ये शबीह पैगंबर थे, ये बेटा था। आगे बाबा अल्लाह आपको कोई बुरा वक्त ना दिखाए, ये बताइए ये इस वक्त कलिमा इस्तिरजा क्यों जारी फरमाया, ये आपने किस लिए इन्ना लिल्लाह फरमाया और फिर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह का? बेटा अभी मुझे, अब आम जबान में कह रहा हूँ, अभी मुझे नींद सी आ गई थी, मैंने देखा एक सवार आ रहा है हमारी तरफ और वो ये कह रहा है कि देखो तो ये काफ़िला जिस तेज़ी से जा रहा है उसी तेज़ी से इसकी मौत इसकी तरफ आ रही है। मैं समझ गया बेटा कि हमारी सुनानी सुनाई गई है, अब हमारी मंजिल नज़दीक है, करीब है। सही जनाब अली अकबर ने सुनते ही बस ये कहा कि बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? देखो नीयत कैसी खालिस होनी चाहिए, आज़म कैसा खालिस होना चाहिए, समझो। करबला को समझें, यानी ये जुमला मैं अक्सर कहता हूँ कि करबला में कोई बेटा अपने बाप का सिर्फ इसलिए साथ नहीं दे रहा था कि ये बाबा हैं मैं इनका बेटा हूँ, मसला बाबा का नहीं था, मसला ये था ये फर्जंद रसूल हैं, ये हुज्जत खुदा हैं, ये इमाम हैं, इनकी इताअत फ़र्ज है, ये वली हक हैं, इसलिए नहीं बेटा साथ दे रहा है कि बाबा हैं हमें साथ देना है, ये फर्जंद रसूल हैं, इब्न रसूलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। आज तक मुसलमानों को फर्जंद रसूल की हुर्मत का अंदाज़ा नहीं है, फर्जंद रसूल का बाबा क्या हम हक पर नहीं है, कहा हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा बेटा,
कहा फिर हमें मौत का क्या खौफ है। ये जनाब अली अकबर थे जिनके लिए करबला में आने के बाद इमाम हुसैन ने भी क्या क्या फ़ैसले किए हैं। जब रोज़ आशूरा तमाम असहाब भी मौजूद थे और तमाम अंसार भी, जंग का आगाज़ था और तीर उमर इबन साद के लश्कर की तरफ से इमाम की तरफ फेंका गया, जंग शुरू हुई, तो इमाम ने सबसे पहले ये फ़ैसला किया कि मैदान में मैं अपना बेटा अकबर भेजूँगा। जैसे ही आपने ऐलान किया मैदान में मैं सबसे पहले अपना बेटा अकबर भेजूंगा, असहाब आ गए, आका ये नहीं हो सकता, अरे हम जिंदा रहे और शबी है पैगंबर। ये हैं असहाब हुसैन, हम जिंदा रहे और शबी है पैगंबर पर कोई कड़ा वक्त आ जाए, हम ये नहीं होने देंगे आका। कितने मौके आए हैं करबला में, जब यकीन जानिए मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ लेकिन उनके जज्बे की तर्जमानी है, जब ख़ुद शमशीरें निकाल ली हैं असहाब हुसैनी ने और कहा है कहिए तो हम अपनी शमशीरों से अपने गले काट के आपके सामने रख दें। आका ये नहीं हो सकता। इसरार के बाद आका ने अली अकबर को रोका, असहाब का सिलसिला शुरू हुआ। जब तमाम असहाब शहीद हो गए तब बनी हाशिम के जवानों का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद बनी हाशिम में भी ये तरतीब थी, जब तक बनु जाफर जिंदा रहे, बनु अकील जिंदा रहे, उस वक्त तक कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फर्जन शहीद नहीं हो सका। तरतीब थी, जनाब अकील के बच्चों ने पहले जाने दी, जनाब अब्दुल्ला इबन जाफर तैयार के बच्चों ने जाने दी, और जब सब कुर्बानियाँ हो गईं तो अब समझिए बस दो कुर्बानियाँ रह गई थीं, एक अकबर था और एक असगर, और जिसमें यही तय करना मुश्किल है कि इसमें हकीकतमन असगर को भी असगर कहें तो कैसे कहें। आज मैं उस शीरखार के मसाइब नहीं पढ़ूंगा, कल सरकार सैयदुल शुहदा के भी कुछ मसाइब गुजारिश करूंगा, कल आपके शीरखार बच्चे छः माह असगर के भी मसाइब अर्ज करूंगा। आज वक्त तमाम हो चुका, बस आज तो पुरसा देना है रसूलुल्लाह को शबीह रसूल का, आज पुरसा देना है आका हुसैन को उनके कड़ियल जवान अली अकबर का। मैं मुबालिगे से काम नहीं लेता, कभी मुबालिगे से काम नहीं लेता। जो इबारतें, जो छोटे छोटे जुमले तारीख में लिखे हैं ना, अरे यही अगर आपके दिल पर असर कर जाएं तो कयामत तक गिरिए का सिलसिला न थामे। ये तो शबो रोज़ के हंगामे हैं जो हायल हो जाते हैं, वरना आका हुसैन का गम कोई ऐसा गम है कि जिस पर आँखें खुश्क हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। कैसे अर्ज़ करूं कि आका हुसैन ने अली अकबर को कैसे भेजा है मैदान की तरफ। तीन शहादतें ऐसी हैं जिनमें आका हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। एक कासिम, जब भेजा तो सीने से लगा के इतना गिरिया किया कि खश आ गया, कल अर्ज कर चुका। एक अली अकबर, हालांकि पहले भेजना चाहते थे हुसैन साबिर हैं साबिर, मगर बेटा भी कौन है, अकबर है अकबर। जब अकबर को रन की इजाजत दी तो दोनों हाथों को उठा के खुदा से खिताब किया है, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार अब इस कौम पर गवाह रहना, फकद बरज़ा इलैहिम गुलामुन, इनके तरफ अब वो जवान जा रहा है कि अशबहुन्नास बिरसूल खल्कन व खुल्कन व मंतिका, रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, किरदार में तेरे रसूल की शबीह है जो जा रहा है।
परवरदिगार तू जानता है कुन्ना इदश्तकना इला रोयत रसूले, अगर हम तेरे रसूल की जियारत के मुश्ताक होते थे नजर ना इले, हम इस बच्चे को देख लेते थे। अकबर गए, आप कितनी बार सुन चुके हैं ये शहादत, अभी मैंने शहादत पढ़ी नहीं मगर दिल क्या बेचैन है, क्या बेचैन है, क्या तड़प रहे हैं। और जब ये याद दिला दूंगा, आका ने अकबर को रुख्सत तो कर दिया मगर अपने अपने मकाम पर खड़े न रह सके, अकबर के घोड़े के पीछे पीछे मैदान की तरह तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। बेटे ने पलट के देखा, घोड़े से उतर आए, बाबा आपने किसी के साथ ये तरीका इख्तियार नहीं किया, मुझे रुख्सत कर दिया, फिर पीछे पीछे तशरीफ ला रहे। आका हुसैन के दिल की बेचैनी तो देखो, बेसब्री नहीं आए मगर बाप का दिल है सीने में, बेचैनी भी है। बेटे को फिर सीने से लगाया, फिर प्यार किया, फिर ये कह के रुख्सत किया, बेटा जहां और बहुत सी बातें गई, बेटा जब तक फौजे आदू में फौजे अश्किया में घिर न जाना, पलट पलट के अपना चेहरा दिखा। बस बस अब मुझ में ताकत नहीं है कि मैं शहादत बयान करूं। बेटा गया, आका हुसैन ने एक तरीका इख्तियार किया कि फरस मुबारक पर थे, बार बार रकाब पर पांव रख के जोर दे के उठते थे, मैदान में देखते थे और बैठ जाते थे। दरे खैमा पे बीबियां थी, पर्दे के पीछे ज़ैनब, लैला, रबाब, क्या देख रही है हुसैन का चेहरा कि जवान बेटे पर कोई वक्त आएगा बाप का चेहरा जरूर बदल जाएगा। एक मर्तबा आका पलटे, दरे खैमा पे आए, लैला जाओ दुआ करो। अकबर के सामने एक शकी आया है, लैला ने सर के बाल खोले, दुआ की, अकबर फातिहाना पलटे। लेकिन जब पलटे हैं तो कहा क्या, बाबा इस प्यास ने मुझे मार डाला, अल आतशो कद कतलनी। इमाम ने कहा, बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में तो देना। बेटे ने जबान दी, फौरन खींच ली, बाबा आपकी जबान में मेरी जबान से ज्यादा कांटे पड़े। बस वक्त गुजर गया, मैं शर्मिंदा हूं। बस एक दो जुमले अर्ज कर दूं, अब जो बेटा गया तो वापस नहीं आया, बस एक आवाज दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरी तरफ से आखिरी सलाम। अमी इमाम हुसैन ने फरमाया, अलद दुनिया बाद कल आफा, इस दुनिया पर बेटा तेरे बाद खाक है। बर्दाश्त कर सकेंगे, सिर्फ पुरसा देने के लिए अर्ज कर रहा हूं। ये रिवायत भी मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है, इन हासिदों ने, इन काफिरों ने, इन अश्किया ने जो सुलूक हजरत अब्बास के साथ किया था, आका हुसैन की शहादत के बाद अकबर शबीह रसूल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए। खुदा आप सबको करबला जाने की तौफीक। ज़रीह मुबारक में जवान बेटे की कब्र, कदम मुबारक के पास छोटी सी कब्र है, ये छोटी सी कब्र इसलिए है अकबर शबीह रसूल तस्वीर पैगंबर को पारा पारा किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया। और जब हुसैन नहीं थे तो लैला की आंखों के सामने अकबर का सर कलम किया।
हुसैना वा अकबरा वा मुहम्मदा।